पंजाब दी 1947 विच होई वंड मगरों जो पाकिस्तान बनिया ते पंजाब दा अद्धा हिस्सा पाकिस्तान दे हिस्से आया। पाकिस्तान ते भारत विचकार ए वंड मगरों भी रौला नहीं मुक्या ते दोहां विचकार जंगा होईयां, जिन्हां विच 1965 दी जंग, 1971 दी जंग ते 1999 दी कारगिल दी जंग शामिल ने। इन्हां जंगां विच पाकिस्तान नूं भारत हत्थों हार दा मूँह देखना पिया। इन्हां जंगां विच सिख भारत वाले पासिओं लड़े। खैर, अज असी दसांगे 1965 दी जंग दा हाल। पाकिस्तान दे राष्ट्रपति नूं वी कहना पिया कि असी भारत कोलों जंगा सिर्फ सिखां दी बहादुरी करके हारे हाँ। 1965 दी जंग विच अमृतसर ते डेरा बाबा नानक सैक्टर ते पाकिस्तान दी फौज दीआं कई डिवीज़नां ने इक्को वारी अचानक हमला कर दिता। उस वेले पछमी कमांड दा मुखी लैफ्टीनेंट जनरल हरबख्श सिंह सी। इस जरनैल दा जन्म 1913 विच संगरूर जिले दे उसे बडरुखां पिंड विच होया जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा नानका पिंड मन्निया गया। चाणचक होए इस हमले की तेजी नूं देखदे होए सरदार साहब नूं दिल्लियों आर्मी चीफ मिस्टर चौधरी दा हुक्म आया कि अपनियां फौजां नूं पिछे हटा के दरिया ब्यास दे जलंधर वल दे कंढे तक ले आया जावे, नहीं तां अमृतसर ते हत्थों जाणा ही जाणा। सगों पाकिस्तानी फौज अंबाले तक भी इलाका आसानी नाल जित सकदी है, इस करके पिछे नूं मोड़ाओ। एक पासे फौजी ट्रेनिंग दा सीनियर दे हुक्म मन्नण वाला असूल सी ते दूजे पासे गुरुआं दी वरसोई धरती अमृतसर नाल मोह प्यार वाला जज्बा सी। अखीर नूं गुरुआं दी धरती नाल मोह प्यार वाला जज्बा कुछ ही राजनीतिक कूटनीति ते भारी पै गया ते इस जरनैल सरदार हरबख्श सिंह ने आर्मी चीफ मिस्टर चौधरी नूं इह कहिंदिआं होइआं पिछे हटण तों साफ इनकार कर दित्ता कि गुरद्वारा ननकाणा साहिब ते करतारपुर साहिब तां 17 साल पहलां साथों खो चुके ने, पर हुण श्री दरबार साहिब ते श्री अमृतसर दी धरती किसे कीमत ते हत्थों नहीं जाण देणी। फौज डेरा बाबा नानक सैक्टर उत्ते डटी रही ते बहुत वड्डा नुकसान होणों बच गया। कईआं ने जंग मगरों सरदार हरबख्श सिंह नूं हुकम अदूली वाले चक्कर विच वी फसाउणा चाहिया, पर सिखां दी बहादुरी दा कायल उस वेले दा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस फौजी जरनैल दे हक विच पूरी तरह डटिया रहा। जानकार दसदे ने कि इस 6.5 फुट उच्चे फौजी जरनैल दा इन्ना रोब सी कि जंग मगरों जो प्रेस मिलनी हुंदी है पोस्ट वार ब्रीफिंग, उस विच पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने खुद मन्निया सी कि पाकिस्तानी फौज कदे ना हारदी जे सामने परबत जिड्डे जिगरे वाला जरनैल हरबख्श सिंह अते उसकी अगवाई विच लड़दी हुई निडर फौज ना हुंदी। 14 नवंबर 1999 नूं 86 साल की उम्र में सरदार हरबख्श सिंह अकाल चलाना कर गए, पर उन्हां दा वड्डा फैसला इतिहास विच दर्ज हो गया। ये गल भी नाल याद रखनी चाहिए है कि जिन्हां बहादुर सिख जरनैलों करके भारत नूं जित्तां नसीब होईआं उस भारत दीआं सरकारां ने इन्हां ही सिखां दे पावन स्थान ते तोपां टैंकां नाल ढाउण लगे रता भी परवाह नहीं कीती। जे श्री दरबार साहिब नूं बचाउण लई सरदार हरबख्श सिंह लड़िया उस दरबार साहिब ते उसे भारतीय फौज ने हमला करके ढा ढेरी किया। भी याद रखने वाली गल है कि अपनी बहादुरी नाल बंगलादेश नूं आजाद कराने वाले सरदार जनरल सुबेग सिंह भी पहला भारतीय फौज में सन, पर उन्होंने उन्होंने रिटायरमेंट तो एक दिन पहला बेइज्जत करके कोर्ट मार्शल किया गया सी। इल्ज़ाम यह लाया गया सी कि उन्होंने अपने किसी जूनियर तो चांदी की प्लेट तोहफे विच लई सी। एक कौड़ा सच है कि सिख कौम के फौजी जरनैलों ने भारत की राखी करन विच कसर नहीं छड़ी ते भारत ने उन्हां नूं बेइज्जत करन अते सिख कौम नूं खत्म करन विच कसर नहीं छड़ी।